क्या आपको मालूम है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स में फ़र्क क्या है? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये आपसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में क्यों पूछ रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से बचने के लिए अक्सर लोग ऐसे हैं जो अपने आप को लॉन्ग टर्म गोल्स देते हैं। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर वो छोड़ना चाह रहे हैं तो कहते हैं कि आज के बाद से मैं आइंदा कभी भी पूरी ज़िंदगी में पोर्नोग्राफिक मटीरियल के पास नहीं जाऊँगा। और फिर क्या होता है, अगले दिन वो पोर्नोग्राफिक मटीरियल देख लेते हैं और फिर उनको ये ख्याल आता है कि भाई मैंने तो अपना लॉन्ग टर्म गोल चूंकि तोड़ दिया है इसलिए मैं कभी भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल छोड़ नहीं सकता। तो मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को लॉन्ग टर्म गोल्स ना भी दें, ट्राई शॉर्ट टर्म गोल्स। हाउ अबाउट स्टार्टिंग ऑफ लाइक दिस कि मैं आज पोर्नोग्राफिक मटेरियल नहीं देखूंगा। हाउ अबाउट अ गोल लाइक मैं इस हफ्ते इंशाल्लाह कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल नहीं देखूंगा। अगर आज फॉर एग्जाम्पल संडे है तो आपने कहा कि अगर आज संडे है इंशाल्लाह मैं अपने साथ वादा कर रहा हूँ, अपने साथ एक अहद कर रहा हूँ, अपने साथ एक ओथ कर रहा हूँ, कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं अगले संडे तक इंशाल्लाह किसी पोर्नोग्राफिक साइट के पास नहीं जाऊंगा। बट डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, पोर्नोग्राफिक साइट्स के अलावा आपको पता है कि हमारा ब्रेन जो है वो स्टिम्युलेट होता है थिंग्स दैट आर नॉट पोर्नोग्राफिक बट गिव द इम्प्रेशन ऑफ पोर्नोग्राफी। आजकल बहुत सारे बिल बोर्ड्स, बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे TV प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन कर सकते हैं। इन द केस ऑफ वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ मैन हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को ना एक स्टिमुलस मिल रहा होता है और उस स्टिमुलस को अगर आप कंपाउंड करते जाएं तो वो इंसान को पोर्नोग्राफी की तरफ ले जाता है। तो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स में ये हो सकता है कि मैं किसी किस्म का भी इनअप्रोप्रिएट मटेरियल जो है उसको वॉच नहीं करूंगा इस संडे से लेकर नेक्स्ट संडे तक। जब नेक्स्ट संडे आ जाए फिर आप अपने आप को एक और गोल दे दें कि इंशाल्लाह अब नेक्स्ट संडे तक दोबारा मैं करूंगा। तो शॉर्ट टर्म गोल से क्या होगा कि आपको लगेगा कि ये जो मैंने अपने आप को टास्क दिया है ये बहुत डूएबल है, ये मेरी रीच के अंदर है। एक हफ्ता छोड़ना नॉट अ बिग डील, आई कैन डू इट। एंड इफ यू कीप डूइंग इट, आप इसको एक महीना दो महीना चलाएं, इंशाल्लाह दिस कैन बिकम योर रेगुलर हैबिट। एक और मैं आपको शॉर्ट टर्म गोल की स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि लेट्स सपोज के आपको फीलिंग ऐसी आ रही है, एक क्रेविंग और एक अर्ज आ रहा है कि आई नीड टू इंगेज इन वॉचिंग पोर्नोग्राफिक मटीरियल राइट नाउ। सो उस केस में आप क्या करें? उस केस में आप ये कहें कि ठीक है मैं अभी नहीं करता लेकिन आई प्रोमिस मैं कल कर लूँगा, या आप कहते हैं चलो मैं 6 घंटे बाद कर लूँगा। अपने आप को इतना भी गोल दे दें, यानी उस मुसीबत से बचने के लिए ना अपने आप को अगर इतना शॉर्ट टर्म गोल भी देना पड़ता है तो दे दें ताकि आप उस मुसीबत से बाहर निकल जाएं। देखिए शैतान के ट्रैप्स में से एक बहुत बड़ा ट्रैप पता क्या है, शैतान हमें नेक कामों से ना दूर करता है। किस तरह से? नमाज का वक्त हो गया, शैतान कहता है अभी ना पढ़ो बाद में पढ़ लेना, उस टाइम ना पढ़ो थोड़ी सी देर बाद पढ़ लेना। अभी कौन सा नमाज निकल रही है? 5 मिनट बाद पढ़ लो, 10 मिनट बाद पढ़ लो, आधे घंटे बाद पढ़ लो, यार कौन सा नमाज निकल रही है? तो मैं कह रहा हूँ बीट शैतान एट इज ओन गेम। शैतान जब आपको ये वसवसा दे कि पोर्नोग्राफिक मटीरियल अभी देखो, आपको अभी क्या ज़रूरत है, आधे घंटे बाद देख लेंगे यार, घंटे बाद देख लेंगे, इसमें क्या है? तो इंशाल्लाह पता क्या होगा, फिर आप नहीं देखेंगे। बीच में किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, बीच में किसी ने कहीं बुला लिया, बीच में आपकी अम्मी ने कह दिया बेटा जाओ जाके अंडे डबल रोटी लेके आओ, तो पोर्नोग्राफिक मटीरियल वहीं निकल गया। तो इसलिए अपने आपको शॉर्ट टर्म गोल देके इस मसले से बाहर निकलें। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव क्योर्स फॉर पोर्नोग्राफी एडिक्शन।